साभाव्य शब्द का अर्थ होता है सारूप या सादृश्य। जीव में आकाशादि का सादृश्य ही मानना चाहिए क्योंकि प्रकृति में उसी की उत्पत्ति होती है। देव शरीरधारी नहुष का अजगर रूप में परिणत होना उचित ही है क्योंकि देव शरीर के समय अजगर का अभाव था। यदि देव और अजगर के दोनों शरीर एक साथ होते तब देव शरीर को सहस्त्रों शिल्पी मिलकर भी अजगर शरीर नहीं बना सकते थे क्योंकि समान समय में होने वाले दधि और दुग्ध परस्पर एक दूसरे का स्वरूप नहीं होते। वैसे ही प्रकृति में जीवों के सूक्ष्म शरीर और आकाश दोनों ससामयिक हैं, अतः ये परस्पर एक दूसरे का स्वरूप कभी नहीं हो सकते। सिद्धांत नाति चिरेन अतो वय दुर्निश प्रपतरम। इस श्रुति में दुर्निश प्रपतरम शब्द का अर्थ पूर्व पक्षी ने दुखेन निसरण समझा था विलंब नहीं, किंतु सिद्धांति ने कहा कि स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर दुखो भोग नहीं करता, अतः दुर्नित प्रपतरम विलंब का लक्षक है। संशय, यह पहले कहा गया कि चंद्रलोक से लौटकर इष्टापूर्तकारी आकाश आदि का सादृश एवं वायु धूम आदि का संपर्क पाकर ब्रही यव आदि के रूपों में जन्म लेते हैं। यहाँ संदेह होता है कि क्या अनुशय युक्त जीव अपने भोगाधिष्ठान के रूप में ब्रही यवादि स्थावर योनि में जन्म लेते हैं अथवा अन्य जीवों के भोग्य भूत ब्रही से संसर्ग मात्र होता है। पूर्व पक्ष, मनुष्यो जायते देवो जायते इत्यादि प्रयोगों में शरीर परिग्रह रूप जन्म धारण करना ही जनी धातु का अर्थ प्रसिद्ध है। उसके अनुसार यही सिद्ध होता है कि अनुसयी व्यक्ति ब्रीही आदि का शरीर धारण करते हैं। शंका, बिना ब्रीही आदि में जन्म लेना संभव नहीं। समाधान, इष्टापूर्तकारी पुरुषों के यागादि कर्मों का उल्लेख ऊपर हो चुका है। ज्योतिष्टोमादि कर्मों में अंग रूपेण अग्निशीयादि पशुओं की हिंसा की जाती है। हिंसा जनित पाप के योग से अस्थावर योनि में जन्म लेना इष्टापूर्तकारियों के लिए उचित ही है। विशेष शास्त्र सामान्य शास्त्र का बाधक होता है क्योंकि सामान्यतः समस्त प्राणियों की हिंसा का निषेधक शास्त्र क्रमशः एक एक प्राणी को हिंसा का निषेध करते करते जब तक पशु हिंसा का निषेध करने पहुंचेगा तब तक अग्नि सामीय पशु माल भेद या विशेष शास्त्र पशु हिंसा का विधान शीघ्र ही कर डालेगा। ज्योतिष चोमादि कर्मों को अंगभूत पशु हिंसा दुख फलक नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ न हिस्यात यह निषेध शास्त्र वहाँ के विधि शास्त्र से बाधित होकर प्रवृत्त ही नहीं होता। फलतः पुरुष अपने स्वतंत्र उपभोग के लिए जो हिंसा करना चाहता है उसी का निषेध किया जाता है। यद्यपि मीमांसा गण आख्यात के द्वारा कर्ता का अभिधान न मानकर भावना का ही अभिधान मानते हैं तथापि भावना कर्ता का व्यापार है। आकाशादि की समता के समान ही इष्टापूर्तकारी अनुसयी का ब्रीही यवादि के साथ केवल संयोग होता है, ब्रीही आदि के रूप में जन्म नहीं। भाष्कर ने यही अर्थ उत्सर्ग और अपवाद वचन के द्वारा प्रदर्शित किया है।
दूसरी बात यह भी है कि यो हिन ही अन्न मति यो रेतः सिंचति तद्भूय एव स भवति। इस श्रुति में कहा गया है कि व्रीहि आदि भाव को प्राप्त अनुसयी गण पुरुषों के द्वारा खाए जाते हैं, वो वे उपभुक्त होकर रेतासिक भाव वीर्य सिंचन कर्तृत्व का अनुभव करते हैं, किंतु मुख्यार्थ रूप व्रीहि आदि रूपों में जन्म मानने में यह उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि यदि वे व्रीहि आदि योनि में जन्म लेते हैं तब व्रीहि आदि को काटने कूटने और कांडने पर अनुसयी व्यक्ति कहाँ रहेंगे, कैसे सुरक्षित रहेंगे और क्यों कर रेता सिंचन के कर्ता होंगे। व्रीहि आदि रूप के साथ जब केवल संयोग माना जाता है तब व्रीहि आदि के नष्ट होने पर भी अनुसयी गण सुरक्षित रह जाते हैं और वयस्क होकर रेतसिक भाव का अनुभव कर सकते हैं। उत्पन्न होते ही बालक रेतसिक नहीं होता, अपितु प्रौढ़ युवक होकर ही वैसा होता है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि अनुसयी व्यक्तियों का व्रीहि आदि के साथ केवल संलेश संयोग ही होता है। तब क्या सर्वत्र अनुसयी व्यक्तियों का संसर्ग मात्र ही होता है? यदि ऐसा है तब यहाँ पर रमणीय योनि में जन्म क्यों कर बनेगा? इस प्रश्न का उत्तर है योने शरीरम अर्थात योनि में वीर्य का निषेक होने पर योनि से शरीर उत्पन्न होता है। संगति गत पाद में पंचाग्नि विद्या का उदाहरण देकर जीव की संसार गति का एक प्रकार प्रस्तुत किया गया। इस द्वितीय पाद में उसी जीव की स्वप्नादि अवस्थाओं का प्रपंच प्रस्तुत किया जाता है, जिसका उद्देश्य है जीव में स्वयं ज्योतिष्ट्वत की सिद्धि। पूर्व पक्ष इस भाष्य का अर्थ यह है कि यह लोक और परलोक के संधि स्थान में होने वाली स्वप्न अवस्था का नाम संध्या है। लोक में जैसे प्रांतों के संधि स्थान में रहने वाले लोगों में दोनों प्रांतों के व्यवहार उपलब्ध होते हैं, वैसे ही पृथ्वी लोक में मानवीय नेत्रों से रूप का प्रत्यक्ष होता है और दुलोक में उसके बिना ही रूप दर्शन होता है। वैसे ही स्वप्न काल में चक्षु के बिना ही रूप दर्शन होता है। जब उभय लोकों की सृष्टि में यथार्थता है तब स्वप्न दृष्टि में यथार्थत क्यों न होगा? समय के भेद से विषय ही भिन्न होते हैं। जैसे दुग्ध रूप में दिखने वाला पदार्थ ही कालांतर में दधि रूपेण देखा जाता है, वैसे ही रजत रूपेण दिखने वाला पदार्थ ही कालांतर में सुक्ति हो जाता है। अथवा प्रत्येक वस्तु नाना रूप की होती है, अतः जिस व्यक्ति की चक्षुन्द्रिय प्रखर आतप से क्लांत होती है तब वह व्यक्ति सम्मुखस्थ पदार्थों को रजत रूप में देखता है, किंतु जिसके नेत्र को सामान्य आलोक का ही संयोग प्राप्त है वह उसी पदार्थ को सुक्ति रूप में ग्रहण करता है। इसी प्रकार एक ही कमल पदार्थ नील और रोहित रूप से समन्वित है कि दिन में सूर्य की प्रतत रश्मियों में नीलत्वेन अभासित होता है और प्रदीप के कोमल प्रकाश में लाल रंग का प्रतीत होता है। निद्रा के अभाव में विद्यमान रथादि का भी ग्रहण नहीं करता, किंतु निद्रा अवस्था में ग्रहण कर लेता है। सामग्री भेद अथवा काल भेद के कारण नाना रूपों का समन्वय एक ही वस्तु में ही हो जाता है। यह प्राग परमेश्वर का प्रकरण है, जीव का नहीं। अतः स्वप्न सृष्टि ईश्वर कर्तिक होने के कारण वैसे ही पारमार्थिक है जैसे आकाश आदि प्रपंच।
यदि स्वप्न सृष्टि जीव कर्तिक मानी जाती है तब भी जीव प्राज्ञ स्वरूप होने के कारण यथार्थ सृष्टि का ही निर्माता है। दूसरी बात यह भी है कि बहुत से स्वप्न ऐसे भी देखने में आते हैं जिनकी जागृत काल में सत्यता सिद्ध है, जैसे कि स्वप्न में श्वेत माला और चंदनानु लेपनादि से अलंकृत कोई ब्राह्मण सा प्रतीत होने वाला दिव्य पुरुष प्रियव्रत नाम के किसी भले मनुष्य को कहता है, हे प्रियव्रत, आज से 5वें दिन प्रातः ही इस देश का राजा आपको पर्याप्त उपजाऊ भूमि खंड का दान देगा। प्रियव्रत ठीक 5वें दिन वैसा ही दान पाकर कृतकृत हो जाता है। इसे यह सिद्ध होता है कि स्वप्न काल की सृष्टि परमार्थिकी ही होती है। यदि कहा जाए कि जल ही दो प्रकार का होता है, पहला प्यास का बुझाने वाला और दूसरा प्यास ना बुझाने वाला, तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जलत्व का व्यापक धर्म होता है पिपासा निवर्तकत्व। यहाँ पिपासा निवर्तकत्व नहीं, वहाँ जलत धर्म ही नहीं रह सकता। मरीची संचय में जल भ्रम ना मानकर असक्त जल में सक्तत्व भ्रम की कल्पना से क्या लाभ। उसमें भी बाध्य भूत रजत ज्ञान पहले और बाधक रूप सुक्ति ज्ञान पश्चात उत्पन्न होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान वर्तमान पदार्थ को विषय करता है, भावी पदार्थ को नहीं। प्रकृति में सहायकी भूत संस्कारों का अभाव है, अर्थात बोधों के क्षणिक बाद में वस्तु को जिस क्षण का प्रत्यक्ष होता है वही क्षण प्राप्त नहीं होता, अपितु उसी संतान का क्षणानांतर प्राप्त होता है। प्राप्त क्षण को ही अध्यवसाय कहते हैं। प्रमाण का काम वस्तु का प्रकाश करना, पुरुष को प्रवृत्त करना और वस्तु की प्राप्ति करा देना होता है। स्वप्न कथित वस्तु की अकस्मात प्राप्ति हो जाने पर भी स्वप्न का मिथ्यात् धूमिल नहीं होता। जम्बू द्वीप एक वर्तुलाकार गोल भूमंडल है, उसके ऊपर मध्य में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु के दक्षिण भाग में हरिवर्ष किम पुरुष और भारतवर्ष है, उत्तर में रम्यक हिरणमय और उत्तर कुरु है। जम्बू द्वीप के जिस भाग में सूर्य प्रकाश रहता है वहाँ दिन और अन्यत्र रात होती है। भारतवर्ष में जब रात होती है केतुमाल में उस समय वस्तु दिन होता है। हाँ, भारतवर्ष में जब रात है तब दिन नहीं हो सकता, अतः रात को दिन समझना अत्यंत असंगत है। स्वप्न में स्त्री आदि का दर्शन शुभ सूचक है। स्वप्न स्त्री दर्शन सत्य होने के कारण उससे जनित चरम धातु वीर्य का स्खलन भी सत्य ही होता है। जैसे सत्यात्मक दर्शन से जनित कार्य सत्य होता है, अतः अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर भी जीव में ब्रह्मरूपता संपन्न करने के लिए अन्य उपाय की अपेक्षा होगी। वह अन्य उपाय कर्म ही होगा, तत्ज्ञान नहीं। फलतः कर्म से ही मोक्ष का लाभ होगा, ज्ञान से नहीं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कर्म ने भी संसिद्धिम आस्थिता जनका ध्येयः। जैसे एक निरपति के अपने बहुत से महल हैं, वह कभी किसी महल में सोता है तो कभी किसी में, वैसे ही एक अकेला जीव कभी नारियों में, कभी पुरातत्व में और कभी परमात्मा में विलीन होता है। जैसे बिड़ही भयजेत, यब यंगजेत इत्यादि परस्पर निरपेक्ष और भिन्न भिन्न वाक्यों के द्वारा विहित बिड़ही और यब का याग द्रवत्वेन विकल्प माना जाता है।
वैसे ही एक ही प्रधान के उद्देश्य से प्रापित नाड़ी आदि स्थानों का विकल्प होना चाहिए। इसी प्रकार नाड़ियों के द्वारा ही प्रवेश करके कदाचित ब्रह्म में विश्राम करता है। अतः इंद्र वायु आदि देवता याग के अंग नहीं अपितु ग्रहण के अंग माने जाते हैं। जितना रस ग्रह पात्र में जाता है उतना उसमें भरकर शेष रस फेंक दिया जाए। ऐसा मानने पर दसमुष्टि परिमित सोमलता का ग्रहण दृष्टार्थक न रहकर और दृष्टार्थक हो जाता है। किसी देवता के उद्देश्य से द्रव्य का त्याग ही याग पदार्थ है। सुख दुख न होने का मुख्य कारण पापादि का अस्पर्श अभाव है। पित द्रव्य का ग्रहण ना कर ब्रह्म की विपक्षा की जाती है तब यह सुगम अर्थ निकल आता है कि जीव नारियों के द्वारा जाकर ब्रह्म रूप हो जाता है, अतः पाप उसका स्पर्श नहीं करता। अर्थात जब जीव ब्रह्म रूप ही हो जाता है तब दर्शन के कारण और कर्म कारक का अभाव हो जाने से जीव किस साधन के द्वारा किस तत्व को अपने से भिन्न समझेगा। फलतः ब्रह्म रूप रूपतापत्ति के द्वार मात्र नाड़ी आदि स्थान होते हैं। अर्थात जैसे ब्रह्म में विलीन हो जाने पर जीव की सुषुप्ति अवस्था में विशेष ज्ञान नहीं होता, वैसे ही नाड़ी और पूर्वतत्व देश में विलीन हो जाने पर भी विषयों से दूर रहने के कारण विषयों का ज्ञान कैसे होगा। संशय, सुषुप्ति अवस्था में यदि जीव ब्रह्म में विलीन हो जाता है तब सुषुप्ति से उत्थित होने वाला जीव क्या वह या अन्य जीव कोई भी हो सकता है अथवा नियमतः वही सुप्त जीव। समाधान, उक्त आक्षेप का अनुवाद करते हुए वाचस्पति मिश्र ने समाधान किया है, यद्यपि ईश्वराद भिन्नो जीवः, अर्थात यद्यपि पारमार्थिक दृष्टिया जीव ईश्वर से अभिन्न ही होता है। सिद्धांत, अर्थात वही प्रसुप्त जीव ही सुसुप्ति से उत्थित होता है, क्योंकि पहला कर्म, दूसरा अनुज्ञान, तीसरा स्मृति, चौथा शब्द और पांचवा विधि, इन पांच हेतुओं से सुप्त और उत्थित जीव की एकता सिद्ध होती है। सोमलता का रस जिस कर्म में प्रधान हवि होता है उसे सोम याग कहते हैं। इस प्रकार कर्म स्मरण पद के द्वारा कर्ता पुरुष की एकता सिद्ध हो जाती है। स्मृति, यह एक सामान्य नियम है कि जो व्यक्ति जिसका अनुभव करता है वही उसका स्मरण कर सकता है, अन्य नहीं। न्याय शब्द निष्पन्न हुआ है जिसका अर्थ नियत, अयन, गमन या प्राप्ति, अर्थात इस पूर्व की पौधावस्था में जिस जीव का जो शरीर होता है वह जीव सुसुप्ति के अनंतर जागरणावस्था में उसी प्रकार में होता है, चाहे व्याघ्र हो या सिंह हो या वृक भेड़िया हो या कीट हो या पतंग हो या दंश हो या मशक मच्छर हो, सभी जीव सुसुप्ति के पूर्व जो होते हैं सुसुप्ति के पश्चात वे वही होते हैं। संशय, मूर्छा अवस्था क्या जागरण, दूसरा स्वप्न, पहला जागरण, दूसरा स्वप्न, तीसरा सुसुप्ति और चौथा मरण, इन चार अवस्थाओं के अंतर्गत है अथवा इनसे भिन्न पंचमी अवस्था, अपितु बाह्य इंद्रियों के व्यापार की सत्ता और असत्ता को लेकर स्वप्न और जागरण का भेद माना जाता है, वैसे ही सुसुप्ति और मूर्छा में पहला प्रयोजन भेद, दूसरा कारण भेद और तीसरा लक्षण भेद होने के कारण दोनों का भेद
परिवर्षित होता है जब सिद्धांत पक्ष के अनुसार मूर्छा को अवस्थांतर पांचवा अवस्था माना जाता है, तब जागरादि चार अवस्थाओं से अतिरिक्त मूर्छावस्था का परिशोधन करने के लिए पृथक प्रयत्न करना होगा। और पूर्व पक्ष के अनुसार जब मूर्छा को अतिरिक्त ना मानकर जागरादादि के अंतर्गत ही समझा जाता है, तब तत्पदार्थ के परिशोधनार्थ पृथक प्रयत्न नहीं करना पड़ता। यह दोनों पक्ष का अंतर है। संगति: ब्रह्म का ज्ञान मोक्ष का उपयोगी है, अतः ब्रह्म स्वरूप का विचार प्रयोजनवान है। नानत्व और एकत्व परमार्थ एक पदार्थ में संभव नहीं, क्योंकि प्रत्यक्षादि व्यवहारिक प्रमाणों के द्वारा ब्रह्म में नानत्व अधिगत है और एकत्व अंधिगत। अर्थात ब्रह्म प्रकाश मात्र स्वरूप है, क्योंकि सर्वगंधत्वादि जैसे प्रकाश से भिन्न हैं, वैसे सत्य कोई प्रकाश से भिन्न वस्तु नहीं अपितु प्रकाश रूप ही सत्व है। अतः ब्रह्म में उभय रूपता कहना संभव नहीं, वस्तुतः सत्ता और प्रकाश का अभेद ही है। वास्तविक प्रपंच का वैसे ही प्रविलय होता है जैसे अग्नि के संयोग से जमा घृत पिघल जाता है, अथवा आरोपित प्रपंच का वैसे ही विलय होता है जैसे रज्जु में आरोपित सर्प का रज्जु तत्व के ज्ञान से विलय होता है। यदि प्रहलाद और सुखदेव आदि लोकोत्तर पुरुषों के द्वारा प्रपंच समूल उन्मूलित हो गया होता तो आज जगत के स्थान पर शून्य होता। आत्म तत्व ज्ञान के बिना सैकड़ों विधि वाक्य भी प्रपंच का विलय नहीं कर सकते। चिंता, ध्यान और साक्षात्कार ये दोनों विषय तंत्र हैं, पुरुष तंत्र नहीं। वायु और आकाश ये दो भूत ब्रह्म के अमूर्त रूप है, क्योंकि वह मूर्त कठिन नहीं। इस रूप को अमृत अमरण धर्मा इसलिए कहा गया है कि जैसे पखानादि एक मूर्त पदार्थ दूसरे मूर्त से टकरा कर खंड विखंडित होकर ध्वस्त हो जाता है, वैसे यह अमूर्त रूप नष्ट नहीं होता। यहाँ यत शब्द का अर्थ सर्वत्र गतिमत व्यापक है, सदैव परोक्ष होने के कारण यह त्यत कहलाता है। इस अमृत रूप का सार है। सूर्य मंडल में अवस्थित पुरुष समष्टि प्रामाभिमानी हिरणगर्भ जैसे अमृत अमृत पदार्थ नित्य परिक्ष है, उसी प्रकार वह अधिदैव देव विग्रह में विराजमान पुरुष नित्य परोक्ष है। इसका सार दक्षिण नेत्र में अस्थित पुरुष तथापि सत और बोध रूप ब्रह्म वह सामान्य साधारण पदार्थ है जिसके मूर्त अमूर्त विशेष रूप हैं। जैसे श्लोकों में व्यवहित पदों के द्वारा उपस्थापित पदार्थों का योग्यता के आधार पर अन्वय हो जाता है, उनके पदों का आंतर्य अव्यवधान आवश्यक नहीं, उसी प्रकार ब्रह्म के सभी रूपों में समान ब्रह्म का भी निषेध हो जाता है। यह पहला पूर्व पक्ष है। अथवा पृथ्वी आदि समस्त प्रपंच प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध है, इसके विपरीत ब्रह्म वाक और मन का भी विषय न होने के कारण किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं। इस मेदिनी कोश के अनुसार श्वेत अश्व जैसे विशेष रूपों के अभाव में सामान्य रूप नहीं रहता, वैसे उपाधि का अभाव हो जाने पर उपहित पदार्थ का अभाव नहीं होता, क्योंकि दर्पणादि उपाधियों का अभाव हो जाने पर मुखादि उपहित पदार्थों का ना तो अभाव देखा जाता है और ना उनकी अप्रतीति होती है। फलतः मूर्तामूर्त रूप उपाधियों का अभाव होने पर भी
ब्रह्म रूप उपहित पदार्थों का निषेध नहीं हो सकता, उसी प्रकार उसकी प्रतीति का भी निषेध नहीं होता, सन्निहित हो जाने मात्र से किसी वस्तु का निषेध नहीं होता। यदि किसी को आधार बनाए बिना ही किसी का निषेध किया जाता है तब उसका निषेध नहीं हो सकता। जिसका निषेध नहीं हो सकता उसी में परमार्थत्व प्रसक्त होता है। मध्यम द्वितीय पक्ष का निराश किया जाता है, नापि ब्रह्म प्रतिषेध उपवदते। प्रत्येक पदार्थ का ही सदा प्रतिषेध होता है, अतः प्रपंच का जो प्रतिषेध होता है वह युक्ति युक्त है, क्योंकि वह अनादि अविद्या के द्वारा प्राप्त है। किंतु ब्रह्म न तो अविद्या के द्वारा प्राप्त है और न शब्देतर प्रमाणों के द्वारा, परिशेषतः शब्द से प्राप्त ब्रह्म का ही निषेध करना होगा। तब तो शब्द ब्रह्म का प्रापक है, वही ब्रह्म में प्रमाण है, प्रमाण सिद्ध पदार्थ का निषेध क्यों कर होगा। किंतु ब्रह्म सत्ता एक सिद्ध पदार्थ है, पुरुष का उसमें स्वातंत्र्य नहीं कि ब्रह्म को सत्य भी माने और असत्य भी। प्रपंच तो धन अनादि अविद्या से सिद्ध है,